हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो कि आप 6 एम्पियर तक के पावर सप्लाई में लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो कि अल्टरनेटिव करेंट को डायरेक्ट करेंट में चेंज करता है। अल्टरनेटिव करेंट जो कि हमारे घरों में आती है, लेकिन हमें डायरेक्ट करेंट की ज़रूरत होती है बहुत सारे जगहों पर। जैसे कि आप यहाँ पर इस बैटरी को देख सकते हैं, मैंने ये बैटरी बनाई थी 12 वोल्ट की। इसको भी चार्ज करने के लिए जो पावर सप्लाई बनेगा उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा और इसमें जो है डायरेक्ट करंट ही देना होगा हमें इसे चार्ज करने के लिए। हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और बेसिकली मैं जितने प्रोजेक्ट बनाता हूं सारे लगभग डीसी करंट पर ही होते हैं। तो डीसी करंट का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको कि हम यूज करते हैं और डायरेक्ट करंट की हमें जरूरत होती है, जिसको कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में समझाऊंगा कि आप इसे कैसे घर पर बना सकते हैं। बहुत ही इजी होगा। तो मैंने सर्किट डायग्राम से पूरा का पूरा आपको समझाया है। बहुत लोग इसके कनेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने सर्किट डायग्राम से पूरा जो है समझाया है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हां, अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। Let's make it। तो दोस्तों, हम एक पावर सप्लाई बनाने वाले हैं और पावर सप्लाई जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमें चाहिए होगा डायोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो तरह के डायोड हैं। ये है एक IN4007 का डायोड। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देता हूँ, अगर तो इस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, काफी दिन से रखा था, इस पर से मिट जाता है जो लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी IN4007 लिखा हुआ है। तो ये जो है IN4007 का डायोड है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो है दूसरा जो डायोड है, इस पर जो अगर मैं दिखाऊं तो ये जो है IN5508 का डायोड है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ये जो डायोड है वो 1000 वोल्ट तक और 1 एम्पियर तक काम करेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज अगर 1000 हो तब भी काम कर जाएगा और जो है एम्पियर 1 एम्पियर तक का करंट ये सह सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें ये 5408 का, तो ये जो है 3 एम्पियर तक करंट के लिए बना होता है और इसका जो है वोल्टेज भी 1000 होता है। तो इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। और 1 एम्पियर तक की सर्किट अगर बनानी होगी हमें तो उसमें इसका यूज करेंगे, और हमें 1 एम्पियर से अधिक 3-4 के लगभग में बनाना होगा तो इसका यूज हम कर सकते हैं। यहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं 2 एम्पियर में, लेकिन 2 एम्पियर में जाने में ये थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, तो हम इसको साइड में रखते हैं क्योंकि हम यूज करेंगे ये जो हमारा 5408 का डायोड है इसका। तो इससे पहले हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए तो हमें 4 डायोड चाहिए क्योंकि हम एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले हैं जिसमें कि 4 डायोड की जरूरत होती है। तो यहां पर हमने 4 डायोड ले लिया है, बाकी को रख देते हैं। तो चलिए अब हम इन 4 डायोडों से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 डायोड की जरूरत होगी, 2 को हम अभी साइड में रख देते हैं। और दोनों डायोड के आप यहां पर देख सकते हैं जो सिल्वर कलर की पट्टी है, उन दोनों को हम एक साथ ऐसे लेंगे। ठीक है, एक साथ इस तरह लेकर दोनों को सोल्ड कर देंगे, बहुत ही इजी होगा। दोनों की सिल्वर कलर की पट्टी को याद रखिएगा, एक साथ सोल्ड करना है। चलिए इनको सोल्ड कर लिया जाए। आप चाहो तो ऐसे भी इसको मोड़ सकते हो ऐसे करके, लेकिन ठीक है जो है हम यहां पर सोल्ड कर देते हैं। तो चलिए इसको सोल्ड कर लिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सोल्ड हो चुका है और ऐसे कुछ ये सोल्ड हो जाएगा, दोनों सिल्वर कलर की पट्टी। अब हम 2 और डायोड लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों डायोड हैं, ये जो दोनों डायोड हैं इनके ब्लैक कलर की पट्टी को एक साथ जो है सोल्ड करेंगे। ये जो दोनों ब्लैक कलर की पट्टी है इनको कुछ इस तरह सोल्ड करेंगे। पिछले वाले दोनों डायोडों में हमने इन दोनों पट्टियों को सिल्वर कलर की पट्टी जो कि कैथोड कहलाती है, इन दोनों को एक साथ किया था। और यहाँ पर अब हम ब्लैक कलर की पट्टी जो कि एनोड कहलाता है उनको एक साथ करेंगे। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सोल्ड हो चुका है और ये जो है दोनों ब्लैक कलर की पट्टी जो है सोल्ड हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपको सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर जो है ब्लैक कलर वाली पट्टी दोनों सोल्ड हो चुकी है और यहाँ पर सिल्वर कलर वाली दोनों पट्टी एक साथ सोल्ड हो चुकी है। तो आप इन दोनों को एक साथ ऐसे भी मिला सकते हो, आप इन दोनों को एक साथ ऐसे भी मिला सकते हो, आप इन दोनों को एक साथ किसी तरह से मिला सकते हो। ठीक, उल्टा सीधा यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को आपको ऐसे ही सोल्ड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्ड कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों है एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों सिल्वर कलर वाला यानी कि कैथोड वाला डायोड एक साथ कनेक्ट हुआ था और दोनों एनोड वाला डायोड एक साथ कनेक्ट हुआ था, और ये जो दोनों ग्रुप बने थे उन दोनों ग्रुप को हम यहाँ पर एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है एक
कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है इसका नंबर है 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरड। ठीक है, आप अगर जितना अच्छा चाहते हैं आप उतना बड़ा कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर होता है वो फिल्टर करने के लिए होता है, यानी कि जब एसी से डीसी में चेंज होगा तो थोड़ा बहुत जो है एसी जो है उसमें रहता है, मतलब कि अच्छे से जो है जो डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर इसके लिए हम फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगाते हैं। अब इन कैपेसिटर को हमें कहाँ लगाना है, मतलब एक ही कैपेसिटर है और इसको कहाँ लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दो सिल्वर एक साथ मिल रहे हैं और जहाँ पे दो ब्लैक एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे दो सिल्वर एक साथ मिल रहे हैं वहाँ पर हम इस कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला हिस्सा, ठीक, और ये जो है ब्लू कलर का वाला है वो पॉजिटिव है, ठीक, उसका लेग थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पहचान होता है, और यहाँ पर एक और पहचान होता है, यहाँ पर नेगेटिव बना होता है, एक सफ़ेद कलर की पट्टी जो है बनी होगी जो कि आपको नेगेटिव टर्मिनल का इंडिकेशन देगी, तो ये जो है नेगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है, इन दोनों को हम ऐसे कुछ इस तरह से सोल्ड कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम इधर रखेंगे, नेगेटिव को हम इधर रखेंगे और ऐसे सोल्ड कर देंगे, तो बहुत ही इजी है ये, ठीक है, पॉजिटिव को यहाँ पर जो सिल्वर कलर की जो दोनों पट्टी मिली हुई है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ये जो काला वाला जो दोनों मिला हुआ है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो चलिए इसको कनेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है वो भी कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इसके एक्स्ट्रा पार्ट को जो है हम काट लेते हैं, तो सिंपली इसके जो है डंडे निकले हुए हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसको जो हम एक्स्ट्रा पार्ट को काट लिया जाए। पर इसके सभी एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने काट लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो गया है। अब ये छोटा सा डिवाइस आपके अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देगा। तो ये बन गया, अब इसके बाद बात होगी इसके कनेक्शन की कि कहाँ से हम इसे अल्टरनेटिव करंट यानी एसी का इनपुट देंगे और कहाँ से इसे डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का आउटपुट लेंगे, क्योंकि इसीलिए ये बना है। तो कनेक्शन को मैंने पूरा का पूरा एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है, बहुत ही ईजी सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है और समझाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो चलिए मैं सर्किट डायग्राम को यहाँ पर लाता हूँ और आपको इसके कनेक्शन समझाने का कोशिश करता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि आप देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि अभी अभी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे बनाया जाएगा, और आप इस सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको कभी भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो, कोई पावर सप्लाई बनाना हो और 5 एम्पियर तक का पावर सप्लाई आप इससे बना सकते हो, मतलब कि ये जो मेथड है उससे आप कितना ही एम्पियर तक का पावर सप्लाई बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डायोड यूज़ किया है वो 5-6 बस इसके ही लगभग में रखिएगा, उससे ऊपर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट डायग्राम है बहुत ही इजी है, यहां पर 4 डायोड लगे हुए हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा कैसे जो है इसका सेटअप होगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे कनेक्ट किया जाएगा, सिर्फ हमें एक बात और करना है कि कहां पर इसका एसी करंट जो है वो दिया जाएगा, मतलब कि ये ब्रिज रेक्टिफायर में कहां से अल्टरनेटिव करंट कनेक्ट किया जाएगा और कहां से आउटपुट का डीसी लिया जाएगा, हमें अभी ये डिस्कस करना बाकी है। लेकिन पहले मैं आपको जो है ब्रिज रेक्टिफायर दिखा देता हूं, तो इसमें तो जो है कैपेसिटर लगाया है, मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिखा देता हूं। तो ब्रिज रेक्टिफायर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर दो सिल्वर वाला मिला हुआ है, तो दो सिल्वर वाला यानी कि दोनों कैथोड यहां पर मिले हुए हैं और दो ब्लैक यहां पर आप देख सकते हैं, दो ब्लैक यहां पर मिले हुए हैं यानी कि दोनों एनोड यहां पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं दिखाऊं जहां पे अपोजिट, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे एनोड कैथोड मिले हुए हैं, ठीक, यहाँ पर एनोड कैथोड मिले हुए हैं, ठीक, यहाँ पर एक जो है कैथोड है और एक जो है एनोड है, ये दोनों मिला हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक जो है एनोड है और एक कैथोड है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और यहाँ पर अपोजिट डायोड के अपोजिट टर्मिनल जहाँ पे मिले हुए हैं वहाँ पे हमें अल्टरनेटिव करंट देना है, यानी कि कोई भी आप ट्रांसफार्मर को जिसमें से एसी करंट निकल रहा है या फिर आप किसी भी तरह से एसी करंट यहाँ पर दे सकते हैं, तो यहीं पर आपको अल्टरनेटिव करंट के लिए कनेक्शन करना है, ठीक। तो अब बात हो गई एसी करंट की, उसके बाद हम आते हैं डीसी करंट पे। तो इसको छोड़कर, ठीक, इन दोनों टर्मिनल को अब छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा।
ठीक है। अल्टरनेटिव करंट में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं, लेकिन जो है डायरेक्ट करंट में हम जब इसको इससे आउटपुट लेंगे डायरेक्ट करंट का, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो कैपेसिटर हमने जहां पे कनेक्ट किया है, कैपेसिटर का पॉजिटिव ही हमें पॉजिटिव टर्मिनल देगा और कैपेसिटर का नेगेटिव ही हमें नेगेटिव टर्मिनल देगा। तो यहाँ पर जो डायोड होता है वो जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है माइनस होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर आप बनाएंगे उसमें उल्टा हो जाएगा, जो यहां पर माइनस होगा यानी कि नेगेटिव होगा वो होगा यहां पर जहां पे दो एनोड मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पे दो एनोड मिल रहे हैं, दो एनोड वो पॉजिटिव है, यहां पर जो डायोड देखेंगे उसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जहां पे दो एनोड मिल रहे हैं वो नेगेटिव होगा और जहां पे दो कैथोड मिल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। और यहीं से हम लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहीं पे कैपेसिटर भी कनेक्ट है। तो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कैपेसिटर लगा हुआ एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि हमने अभी अभी बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे रखूँ, हाँ ऐसे रखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रखा है, जैसा कि डायग्राम है उसी तरह ये रखा है, जिसको कि यहाँ से अल्टरनेटिव करंट दिया जाएगा और यहाँ से इससे डायरेक्ट करंट लिया जाएगा कैपेसिटर में, जो नेगेटिव कैपेसिटर का नेगेटिव है उससे नेगेटिव लेंगे, जो कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला सिरा है उससे हम पॉजिटिव लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप डायोड में और ब्रिज रेक्टिफायर में कंफ्यूजन कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो कोई भी कंफ्यूजन का बात नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ब्लैक वाला सिरा जहां पे दोनों ब्लैक मिल रहे हैं यानी कि जहां पे दोनों एनोड मिल रहे हैं, ठीक, वो जो है नेगेटिव होगा, लेकिन डायोड में वो उल्टा होता है, ब्लैक वाला सिरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, उल्टा नहीं, डायोड में सीधा होता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव है वैसे ही जो ब्रिज रेक्टिफायर में उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दोनों सिल्वर कलर की पट्टी मिल रही है वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे दोनों ब्लैक वाला मिल रहा है, ब्लैक वाला सिरा यानी कि एनोड मिल रहा है, वो नेगेटिव, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन का बात नहीं है। और यहीं पर आप जो है डायरेक्ट करंट का लोड ले सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए, कोई भी डिवाइस आपको डीसी करंट पर चलाना है तो आप यहाँ पर चला सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो है सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा और आप कोई भी पावर सप्लाई ऐसे बना लेंगे बहुत ही ईजिली और एसी करंट को डीसी में चेंज कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर का पूरा मेकिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।